अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद हम जानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, इसका एक एक लफ्ज़, इसका एक एक हर्फ जो है हमारे लिए उतरा है और इसका मकसद जो है वो हम इंसानों के लिए हिदायत है। इस तरह सोचें कि जिस तरह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कल्ब मुबारक पर नाजिल हुआ, तो और जब हम इसको पढ़ रहे हों, तो इसकी तिलावत कर रहे हों या तर्जुमा पढ़ रहे हों, तो हम ये सोचें कि ये एक एक लफ्ज़ जो है वो मेरे लिए, तो फिर हम उसको उस तरह से महसूस कर सकते हैं। वरना अक्सर ये होता है कि हम तफसीर जब पढ़ रहे होते हैं तो हम उसके पस मंज़र में गुम हो जाते हैं, और तर्जुमा भी पढ़ते हुए बाद दफ़ा हम उस तरह से रियलिटी चेक नहीं होता। लेकिन ये कि अगर हम इन चीज़ों को समझें, जो कि बहुत से उलमा और बुज़ुर्गों ने यह बात लिखी है, और अल्लामा इकबाल का भी एक वाक़ है, उनके वालिद साहब ने जैसे उनको बताया, तो इस तरह के जैसे कि ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए ही उतारा है। ये जो महीना है कुरान के नज़ूल का, इसमें एक बाबरकत रात का भी अल्लाह ताला ने इंतखाब फरमाया, जो कि लैलतुल क़द्र है। और ये कि सूरह दुखान की आयत नंबर 3 में इरशाद बारी ताला होता है, इन अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। बेशक हमने इसको एक मुबारक रात में उतारा क्योंकि हम ही ख़बरदार करने वाले थे। और एक और जगह आता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये बकरा की 185 नंबर आए थे। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हिदायत और ऐसी वाज़ह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। रमज़ान के हर रात जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गुजरने तक उन्हें कुरान सुनाते। यानी ये हमें पता चल रहा है ना कि ये इस तरीके की ये सुन्नत थी, तो इसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है। अब क्या क्या काम जो है वो हमें करने चाहिए ख़ास तौर से रमज़ान में, यानी रमज़ान से जो हमारा एक ताल्लुक़ खुसूसी बनना चाहिए, कि इसकी तिलावत तो एक हमें नज़र ही आती है, तो ये हम समझें कि इसकी तिलावत जो है वो बाइस सवाब है और हर हर्फ पर 10 नेकियों का वादा है। लेकिन ये कि रमज़ान में हर जो अजर है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद पढ़ने वालों को एक ऐसी कामयाब तिजारत की खुशखबरी देते हैं जिसमें किसी किस्म का कोई घाटा नहीं, लेकिन ऐसा बिज़नेस जिसके अंदर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कोई लॉस नहीं, नो लॉस। ये देखिए कि ये अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर माइल कर रहे हैं यहाँ पर ना, सूरह फातिर की 29 नंबर आए थे, जिसका तर्जुमा है, जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने इन्हें रिस्क दिया है उसमें से खुले और छुपे खर्च करते हैं, यकीनन वो एक ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जिसमें हरगिज खसारा ना हो। लिहाजा इसमें हम कुरान से बिल्कुल जुड़ जाएं और अपना जो है वो उसके साथ एक खुसूसी ताल्लुक़ के लिए एफर्ट बनाएं, और ये कि उसको तिलावत और उसको समझने की कोशिश करें। फिर ये कि तिलावत कुरान जो है ना वो तरावी में भी हो सकती है, क़ियामुल्लैल में भी हो सकती है, उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें जो हैं वो हो सकती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्नद अहमद की जिल्द 11 और 6626 नंबर हदीस है, रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इस बंदे को खाने पीने और अपनी ख्वाहिश पूरी करने से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। कुरान कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इस बंदे को रात को सोने से रोके रखा क़याम के लिए, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। चुनाचे दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। आज की बात कुरान की यहाँ तक हम इसको इख्तिताम करते हैं, फिर इंशाल्लाह आइंदा इसके दूसरे हिस्से की बात करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।